हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने आया हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी का एक कैलेंडर आता है, उसमें बताया जाता है कि हम 11 जून से 10 जुलाई के बीच सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म फिल करा लेंगे और सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम, जो प्री एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर सितंबर अक्टूबर में मैं काउंट करूँ तो हमारे पास मार्च से लेके लगभग 6 महीने आपके पास हैं। अब इन 6 महीने में ही आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, अपनी तैयारी करनी है। कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। होप आपके लिए वो कुछ बेनिफिशियल रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ एग्ज़ाम के बारे में, उससे पहले मैं बात करूँगा कैंडिडेट के बारे में। देखो, दो तरह के कैंडिडेट 2024 में एग्ज़ाम देंगे। पहले तो वो कैंडिडेट जो बिगनर हैं, बिगनर का मतलब जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार भी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, मैं उनको बिगनर ही कंसीडर करता हूँ कि यार एक बार चलो ठीक है, नहीं हुआ, अगली बार फिर से ट्राई करते हैं। एक तो बिगनर हो गए, दूसरे हो गए एक्सपीरियंस लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 20 ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 2020 से लगे हुए हैं, 21 से लगे हुए हैं, 22 से लगे हुए हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन रुक जा रहा है, कुछ नंबर से रुक जा रहा है, या कहीं कोई मिस्टेक होती है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं, मेरे पास मैसेज आए कि भैया सारे सेक्शन क्लियर हो गए मेंस में, कंप्यूटर के सेक्शन में मेरे को फेल हो गया, जिससे मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिगनर के बारे में। देखो, मैंने कई वीडियो में बोला होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, तो सबसे पहले आपको करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है पूरी तरह से। स्किप आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब एग्ज़ाम ऐसे नहीं आ रहे कि आप स्किप कर लो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। स्किप आप कुछ नहीं कर रहे, एक बार कर लो यार, सिलेबस तो पूरा अच्छे से करना ही करना है। एक बार आपको सिलेबस अच्छे से करना है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आपका सिलेबस, जैसे देखो, एक सिलेबस कंप्लीट करने को एवरेज में मानूँ तो 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। 8 से 9 महीने का एसएससी सीजीएल का सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं तो। अब सिलेबस जैसे आपका हो गया 50 से 60% सिलेबस हो गया, 3-4 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देने, उनका अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। आप ये मत सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा, आपके लिए बहुत सफिशियंट टाइम है यार, बहुत ज़्यादा टाइम है। आपको अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 घंटे मतलब जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना पड़ेगा आपको, बिगनर जो मैं ये बात कर रहा हूँ बिगनर के बारे में, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो यार कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म निकलेंगे, तो यार इंतज़ार मत करना। इंतज़ार तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इंतज़ार तो सारे ही लोग कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो, ठीक है। नहीं ना, आपको वैकेंसी के बारे में सोचना कितनी वैकेंसी आएंगी, ना आपको ये सोचना कि एग्ज़ाम कब होगा, बस आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके और मॉक टेस्ट लगाने और स्कोर आपका कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्री में स्कोर कर सकें, जिससे कि देखो होता क्या है, प्री में अगर अच्छे से स्कोर किया तो मेंस के लिए एक मोटिवेशन रहती है, यार मैं प्री में इतना स्कोर करके आया हूँ, 160 करके आया हूँ, 170 करके आया हूँ, तो मेरे को आगे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। बात रही बिगनर की, ठीक, आराम से तैयारी करते रहें बिना सोचे समझे, 10 घंटे भी पढ़ना पड़े, 12 घंटे में भी। देखो होता क्या है, जब पहली बार या दूसरी बार तैयारी करता है बंदा, तो वो फुल एनर्जी फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है। जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, पढ़ना वही है, दिक्कत जब आती है जब आपके तीन चार साल हो गए और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फाइनल मेरिट में रह जाते हैं और लगता है आपको यार इस बार हो जाएगा, और चीज़ें क्या पढ़नी है आपको, वही पुरानी रिपीट करनी है, यार मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, मैथ राकेश यादव सर से पढ़नी है, ठीक, उनकी किताब लगानी है अच्छे से। इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश तो यार मैंने क्रिस्टोफर सर से करी थी, और नीतू मैम की प्रैक्टिस करे थे, नीतू मैम की भी तो किताब प्रैक्टिस करी थी मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही जीएस लूसेंट से करनी है, और रीजनिंग के लिए मैं केपी सिंह का रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एक्सपीरियंस लोग, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही होगी जो 3-4 साल से लगे हैं और पढ़ना क्या पढ़ रहा है यार, ये चीज़ें तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इनको क्या दोबारा पढ़ूँ। ये दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने तो काफ़ी अटेम्प्ट हो गए थे और बोलते थे कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं क्या पढ़ूँ,
कि यही पढ़ना है, बार बार यही पढ़ना है, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो उनसे फिर भी बोलूँगा यार 2 या 3 घंटे आप निकाल सकते हो तो निकालो, ठीक है। अब तो आपका फैमिली का भी प्रेशर फैमिली का भी प्रेशर हो रहा होगा, प्लस रिश्तेदार भी आपको ताने देने स्टार्ट कर दिए होंगे, और आपको भी अपने आप रियलाइज़ होगा यार कब तक मैं तैयारी करूँगा, कब तक मैं पढ़ता रहूँगा ऐसे ही। तो लेकिन यार आपको, अगर आप फाइनल मेरिट तक पहुँच चुके हो तो बिल्कुल आप दरवाजे तक आ चुके हो एक नौकरी लेने के लिए, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। इस वीडियो में मैं इसलिए आया हूँ कि आप 2-3 घंटे लगातार आप करते रहें, पढ़ते रहें। अब मैंने क्या किया था, जब बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया, मैंने कोचिंग में भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था, और जब फिर मैंने अपनी बाद में कोचिंग भी खोली, वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। उससे क्या हुआ, जब आप पढ़ाते हैं चीज़ों को तो खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है ना। कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन पुट कर ले आपको पता नहीं रहता, तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाती। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, मैंने प्री में ही 160 मार दिए थे जो कभी नहीं मारे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कोचिंग में सही पढ़ा दूंगा, तो आप अपने शहर में या कहीं आसपास देख सकते हैं कि उससे क्या होगा, आपकी तैयारी लगातार रहेगी, आपका ब्रेक नहीं होगा। एक बार ब्रेक हो जाता है तो चीज़ें रिकॉल होने में बहुत टाइम लगती हैं। अगर मैंने सही बताऊं तो मैं अब सवाल निकालने बैठूंगा तो मेरे को भी सोचना पड़ेगा यार इसमें कौन सा ट्रिक थी जो लगी थी और मैंने लगाई थी और अब मैं भूल गया, और जबकि मेरे मैथ्स में 200 में से 200 हैं। लेकिन एक यार प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ही अंतर देखोगे कि आप में क्या अंतर आ रहा है, ठीक। तो मेरे इस वीडियो में यार मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले बिगनर हैं वो बिल्कुल ना सोचें कि कितना पढ़ना पड़ रहा है, जितना पढ़ना पड़ रहा है सारा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, A to Z सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। रीजनिंग भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा रीजनिंग भी अच्छे से फिनिश करें उनको, सारे टॉपिक एक एक करके, प्रैक्टिस बाद में आप लगाते रहेंगे। मैथ्स के हर टॉपिक आपको अच्छे से फिनिश करना है, जैसे सपोज करो आज मैंने नंबर सिस्टम की क्लास करी, आपने कोई अगर कोर्स ले रखा है या आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको सारे लगाने हैं, ठीक। चाहे 100 क्वेश्चन है चाहे 150 क्वेश्चन है, इसके पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप हो सकता है आप पहली बार लगा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन लगे आपको 3 घंटे में 4 घंटे में 5 घंटे में, हो सके पूरा दिन चला जाए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 100 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में भी आराम से लगा देंगे, ठीक। मैं तो क्या करता था, टाइमर लगा लेता था और क्वेश्चन लगाता था कि इतने टाइम में मेरे को इतने क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। जैसे सपोज करो ये पेज है, कोई भी पेज लिया, जैसे सपोज ये पेज है, उसको ऐसे हाफ में डिवाइड करता था मैं क्वेश्चन, और 1, 2, 3 यहाँ टाइम लिखता था, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखता था कि कहाँ कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं। और जितना टाइम अगर यहाँ मैंने लिख दिया उतना टाइम हो गया तो मैं क्वेश्चन करना छोड़ देता था, फिर मैच करता था। ऐसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी और एक्यूरेसी भी आई, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज़ें, इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा आपको, और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं कहीं भी स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्पीड या एक्यूरेसी ना बढ़े। एग्ज़ाम के प्रेशर में आके आप गलत कर जाएँ वहाँ बात अलग है, लेकिन आप घर बैठ के वो बहुत अच्छी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको लगा सकते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए बोल रहा था, अगर मैं सपोज़ करो 100 क्वेश्चन देते थे तो मैं वही 3 घंटे में 2 घंटे में लगा रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक बार हो सकता है 100 क्वेश्चन मैंने 1.25 घंटे में 90 मिनट में और 60 मिनट में भी लगाए हैं, ठीक। तो ये स्पीड का खेल होता है, ये प्रैक्टिस का खेल होता है। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं यार, तुम लगे रहो, अगर आप पिछली बार फाइनल में गए या उससे पिछली बार फाइनल मेरिट में बाहर हुए या कंप्यूटर में बाहर हुए हैं, तो यार थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और आपके लिए स्ट्रगल है, उसके बाद 2024 में नौकरी आपको मिल जाएगी। और कोचिंग वाली बात यार, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ मैंने वो आपको बता दिया, क्योंकि जब बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं तो बड़ा मुश्किल रहता है कि यार अब नहीं पढ़ा जा रहा, यार ये नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है ना। बोलते थे यार पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ूँ कि यार वही इंग्लिश में वही बार बार पढ़ना पड़ रहा है, मैथ्स में वही पढ़ना पड़ रहा है, यार मेरे बस की नहीं है पढ़ना।
ठीक। तो फिर मैंने कोचिंग, थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिला मेरे को, और यार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। जैसे सपोज करो आज मेरे को नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं नंबर सिस्टम के सारे सवाल लगा लेता था कि यार ये सवाल इस तरीके से मेरे को पढ़ाना है, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ाना है। तो सारे सवाल मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता था, तब जाके क्लास में उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाता था। तो मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट हो गया, और तैयारी की तैयारी भी हो गई, ठीक। और इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप एक SSC CGL से नौकरी लग सकती है और कैसे आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चलो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और मैसेज के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।